हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जी, खबर ये है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने जा रहा है, लेकिन अपोजिशन कह रहे हैं कि ये चुनावी माहौल दिख रहा है, इस वजह से बीजेपी से लाने जा रही है। इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता के प्रतीक रहे हैं और 11 वर्षों में कोई भी विरोधी दल किसी मंत्री पर कोई इल्जाम, आज तक इल्जाम भी नहीं लगा सका। अगर हर क्षेत्र में पारदर्शिता आती है, पारदर्शिता बढ़ती है, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिल टेबल होगा, उस पर चर्चा होगी, उस पर जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है वो होगी। अभी क्या होने वाला है उसके सोचने से पहले, चूँकि हमारे विरोधी दलों का कार्य ही है कि किसी जगह पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का है कि कैसे DBT के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ गरीबों को सीधे ट्रांसफ़र कर दिया। अगर यह अवसरों के माध्यम से होता तो वह लाभान्वित होते, हर जगह वह पारदर्शिता का विरोध करते। 370 धारा हटने का 5 साल पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे? तो हमारे लिए आज गर्व का विषय है। जनसंघ की स्थापना काल का जो निर्णय था और जिसे कांग्रेस ने इस देश में सही मायने में दो निशान भी रखे थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण दो प्रधान की भूमिका समाप्त हुई थी, पर सचमुच में इस देश का पूर्ण एकीकरण केवल और केवल आज ही के दिन 5 वर्ष पहले हुआ, जब सभी पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजातियों को जम्मू कश्मीर में हक मिला, तभी जा करके इस देश का संविधान पूर्ण।